आज हम ट्रांसफर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफर पेंटिंग का आविष्कार 1960 में फ्रांस इंजीनियर डी प्लासी ने किया था। इसका कॉमर्शियली यूज 1965 में किया गया। इसमें जैसा कि नाम से विदित है कि ये कागज़ से कपड़े पर इमेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब ट्रांसफर पेंटिंग का नाम से ही विदित है कि ट्रांसफ़र इसमें किया जाता है डिज़ाइंस का। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, अर्थात इसमें एक डिज़ाइन को पहले पेपर के ऊपर बनाया जाता है और फिर उस जो कलर डिज़ाइंस है उसको कपड़े पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सबलिस्टेटिक, कलर स्टैटिक, वेपर फेस और वेट हीट, ड्राई हीट, इंफ्रारेड हीट आदि नामों से इसको जाना जाता है। इस ये थर्मोप्लास्टिक जो फैब्रिक्स होते हैं, मेनली पॉलिस्टर, उस पर ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाई काम में ली जाती है वो डिस्पर्स डाई होती है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल है। इसमें गारमेंट, नीटेड गुड्स, ब्लैंड्स ट्रांसफर डिजाइन पर उनको डिजाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पॉलीमाइड और एक्रेलिक फैब्रिक्स पे भी ये यूज़ की जा सकती है, परंतु इसमें रविंग और वॉश फास्टनेस जो है वो पुअर होती है। ये एक तरह से प्रिंटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब हम इसके मेथड को समझेंगे। सबसे पहले इसमें एक कलर्ड डिज़ाइन का पेपर तैयार किया जाता है। उसमें एक से अधिक कलर की डिज़ाइन हो सकती है। इस पेपर को तैयार करने के लिए कई मशीन्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे ग्रेवियर प्रिंटिंग, फ्लेक्सोग्राफी, लिथोग्राफी, रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग या रोटरी प्रिंटिंग। मतलब इन मशीन्स पे इस कागज़ को पहले तैयार किया जाता है। इस कागज़ को हम रिलीज पेपर बोलते हैं, जो नॉन फाइबरस, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब इस पे जो बनी हुई डिजाइंस है उसको कपड़े पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं, उनमें सबसे पहले है फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन। इसमें एक तरह से ये ड्राई हीट प्रोसेस ही है। इसमें गाइड रोलर्स के द्वारा कपड़े को इस मशीन में रोटेट किया जाता है। ये बैच वाइज प्रोसेस है। ऊपर इसमें प्रेशर होता है और इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जैसा कि पहले बताया गया, अप्लाई किया जाता है 180 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 20 से 30 मिनट्स के लिए कपड़े को इसमें से पास किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये बैच वाइज और या फिर डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें जब हम पास करते हैं और जो रिलीज पेपर पर जो बनी हुई डिजाइंस है उसको इसके अंदर रखते हैं, तो उसकी जो डिजाइंस है वो कपड़े पे आ जाती है। एक बार में जब हम इसको यूज़ करते हैं तब इसमें से 80% जो डाई है वो कपड़े पे ट्रांसफ़र हो जाती है और 20% इसमें कागज़ पे ही रह जाती है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि डिस्पर्स डाई यूज़ होती है और पॉलिस्टर जो है वो फैब्रिक इस पे अच्छा एप्लीकेबल होती है। तो इसमें ये जो है वो सोलिलाइज जो है डाइज काम में ली जाती हैं, इंक के फॉर्म में होती है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड जो मशीन इसमें यूज़ की जाती है वो है कंटीन्यूअस कैलेंडर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन। कंटीन्यूअस कैलेंडर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन को ड्रम ट्रांसफ़र प्रिंटिंग भी कहते हैं।
इसका आविष्कार जो है वो ब्रेथ वेथ एंड सन्स कैनगीजर्स एंड कैल्विन वेफर्स के नाम पे हुआ। इसमें एक सेंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है, रोलर होता है जो कि हॉट होता है, और इस जो रोलर है इसका डायामीटर 0.5 to 2 mm का होता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल हीट प्रोवाइड होती है। इसका टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें गाइड रोलर्स के थ्रू कपड़ा जो है वो पास किया जाता है। कपड़े के ऊपर रिलीज पेपर, जैसा कि मैंने बताया प्री प्रिंटेड पेपर भी बोलते हैं इसको, रखा हुआ होता है, और जैसे ही हम इसमें से पास करेंगे तो इसका जो हीट है जो रोलर का वो, और प्रेशर की वजह से इसका रिलीज पेपर का डिजाइन फैब्रिक पे ट्रांसफर हो जाता है। इस मशीन का आउटपुट है 15 मीटर पर मिनट, अर्थात 15 मीटर कपड़ा एक मिनट में इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, डिज़ाइन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इसका देखेंगे। नेक्स्ट जो मशीन है वैक्यूम ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन। वैक्यूम ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन को इंफ्रारेड रेड ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें 30 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो है वो बॉयल होकर, मतलब इसमें जो वाटर होता है वो बॉयल होकर वैक्यूम बनाता है, अर्थात इसमें एक सेंट्रल सिलेंडर होता है जो होलो होता है जिसमें कि वेपोर होती है, हीट होती है, और नीचे से इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस पास किया जाता है इस मशीन में। और इस गाइड रोलर के सराउंडिंग ब्लैंकेट होता है जो कि गाइड रोलर्स के थ्रू रिलीज पेपर के साथ में पास होता है, और पास होने के बाद जब इसमें प्रेशर जो है वैक्यूम के द्वारा हमें इसमें प्रोवाइड होता है और वो डिज़ाइन जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में से जब कपड़ा इसमें से पास होके ट्रांसफ़र हो जाता है, डिज़ाइन बन जाती है, तब उसके बाद में इसमें कोई भी जो आफ्टर ट्रीटमेंट है वो नहीं किए जाते हैं, और इस तरह के जो गोड्स होते हैं उनकी कलर फास्टनेस भी अच्छी होती है। अब हम इसके ट्रांसफ़र प्रिंटिंग के एडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल और सस्ता प्रिंटिंग प्रोसेस है। इसमें कोई भी आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे कि स्टीमिंग है, करिंग है, डेवलपिंग है, वॉशिंग है, नहीं किया जाता। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जब हम कपड़े पर रिलीज पेपर से जो डिज़ाइन हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो परफेक्ट वो कपड़ा तैयार हो जाता है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस पर अवशेष नहीं रहते हैं, और इस वजह से हमें इसकी कोई वॉशिंग नहीं करनी होती है और कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि इस मशीन को यूज़ करने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, या कलरिस्ट की, केमिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो लेबर ऑफ कॉस्ट है वो भी लो होता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जब हम इसमें प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो इनमें हाथ नहीं गंदे होते हैं, कोई कंसर्न जो होता है वो गंदा नहीं होता है, अर्थात ये जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें बिल्कुल नीटली सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो पेपर जब हम डिज़ाइन का पेपर हम जो पहले से तैयार करते हैं और उससे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं डिज़ाइन को, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। अगर फॉल्ट भी होते हैं तो वो जब हम पेपर जो तैयार करते हैं डिज़ाइन का उसी पे ही हम सारे फॉल्ट्स को निकाल देते हैं। तो इस तरह से जब ट्रांसफ़र प्रिंटिंग करते हैं तो कपड़े पर कोई फॉल्ट्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें लेस स्पेस की आवश्यकता होती है, मतलब मशीन भी इसमें छोटी होती है, ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि इसमें मल्टी कलर इंट्रिकेटेड फाइन डिज़ाइंस और टोनल इफेक्ट टेक्सचर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें नीटेड गुड्स, गारमेंट्स, मतलब फैब्रिक के अलावा हम
गारमेंट्स भी हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज यह है कि इसमें स्टोरेज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब हम आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं तो हमें कहीं पर भी इसको लास्ट में लास्ट फिनिशिंग के लिए कहीं नहीं ले जाना पड़ता, नई स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है। अब इसकी हम डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज में हम पहला ये लेते हैं कि इसकी एक लिमिटेशंस हैं कि इसको जो ट्रांसफर प्रिंटिंग है इसको हम नेचुरल फाइबर्स पर, नेचुरल फाइबर्स जैसे हैं प्योर कॉटन है, प्योर सिल्क है, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो इसमें डाई काम में लेते हैं वो डिस्पर्स डाई होती है और डिस्पर्स डाई का नेचर ये होता है कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ही एप्लीकेबल होती है और थर्मोप्लास्टिक फाइबर पर ही उसकी एफिनिटी होती है। इसलिए इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम नेचुरल फाइबर्स पे इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम पॉलिस्टर के अलावा और भी जो फाइबर्स हैं जैसे एक्रिलिक है, नायलॉन है, इन पे भी हम लेते हैं तो इस पे एप्लीकेबल तो हो जाती है परंतु इसकी जो वेट फास्टनेस है, रबिंग फास्टनेस है, वो पुअर होती है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम देखते हैं कि इसकी पेपर बनाने की जो कॉस्ट है, डिज़ाइन की जो रिलीज पेपर हम बनाते हैं उसके लिए ऑलरेडी हमें मशीन्स को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसकी पेपर की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। और दूसरा, इसके जो डिज़ाइंस हैं उसकी विड्थ की लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम ले सकते हैं कि अगर हम कम मात्रा में प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ये सस्ती नहीं पड़ती है। और दूसरा, हम अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म पे इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो हम उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे कि और दूसरे हम स्क्रीन प्रिंटिंग में भी कर सकते हैं पर इसमें नहीं कर सकते। और लास्ट डिसएडवांटेज है कि इसका लाइट फास्टनेस जो है वो पुअर होता है। इस तरह से आज हमने ये ट्रांसफर प्रिंटिंग को समझा है।